एक समय की बात है, एक कुशल नगर नाम का राज्य था। राजा बड़ा ही सम्मानजनक था। एक दिन राजा की सभा में बड़ा ही सम्मानित पंडित हुआ करता था। जब वह आता राज्य सभा में, वह उसके ज्ञान के सामने सभी खड़े हो जाते थे, साथ में राजा भी। एक दिन राजा ने अपने सभा में सबके समक्ष एक प्रश्न रखे कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान? जो इसका सही उत्तर देगा उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। पंडित ने बोला, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। पंडित ने एक प्रयोग किया, शाही खजाना से एक बड़ा सोने का टुकड़ा को चुरा लिया। वहां का दरबारी यह सब देखकर हैरान रह गया। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, पंडित ने फिर से रत्न चुरा लिए। यह बात राजा तक पहुंची और राजा ने जांच कराई तथा पंडित की सच्चाई सामने आई। अगले दिन राजा ने पंडित को सम्मान नहीं दिया, उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। पंडित ने मन ही मन कहा, दावा काम कर गई। राजा ने पंडित से पूछा, आपने स्वर्ण आभूषण रत्न को चुराए हैं? जी हाँ, पंडित ने बोला। राजा ने पूछा, क्यों? पंडित बोला, दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता था कि आचरण बड़ा होता है या ज्ञान। मेरी राज्य सभा में जो प्रतिष्ठा सम्मान आप देते थे, अब यह इज्जत वह आचरण के कारण नहीं है या ज्ञान के। आपने देखा कि मेरा ज्ञान मेरे पास था, उसमें कोई फर्क नहीं आया, उसमें कोई कमी नहीं आई, फिर भी आपने मेरा स्वागत नहीं किया, खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया, क्योंकि मैं आचरण से गिर गया कि पंडित क्योंकि मैं पंडित से चोर बन गया था, मेरा आचरण गिरा, आपकी भाव में तन गई। मैं समझ गया कि आचरण बड़ा है या ज्ञान। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का भी यही उत्तर। राजा अपने सवाल पर गर्व महसूस किया, पंडित को आधा राजपाट दे दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि उम्मीद ज्ञान बड़ा है कि आचरण। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।